मैं चारुलता वॉयज ऑफ बीट में आपका स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड में हम देखेंगे श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा की जानकारी। श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा 2013 अविस्मरणीय यादें भाग एक यात्रा की जानकारी। ओम नमः शिवाय। तिब्बत में स्थित श्री कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यह पैदल यात्रा कई हजार वर्षों से होती आ रही है। हिंदू धर्म के साथ ही जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी इसका महत्व अनन्य साधारण है। धार्मिक मूल्य, सांस्कृतिक महत्व तथा भौगोलिक सौंदर्य के लिए यह श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा जानी जाती है। श्री कैलाश पर्वत शिवजी के निवास का स्थान है, इसीलिए वह अत्यंत पवित्र माना जाता है। मानसरोवर झील समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और विश्व में सर्वोत्तम पवित्र जल वाले झीलों में से एक है। भारत का विदेश मंत्रालय प्रत्येक वर्ष जून से सितंबर तक इस यात्रा का आयोजन करता है। प्रत्येक वर्ष इस यात्रा के 18 जत्थे जाते हैं। हर जत्थे में कुल 60 यात्री होते हैं। हर जत्थे का नेतृत्व एक लाइजनिंग ऑफिसर तथा संपर्क अधिकारी करता है, जिसकी नियुक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा होती है। 18 से 70 आयु का सर्वसामान्य शारीरिक क्षमता वाला कोई भी नागरिक जिसके पास पासपोर्ट हो, इस यात्रा के लिए आवेदन भर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर हर साल के जनवरी महीने में यह आवेदन पत्र खुलता है। कुमाऊं मंडल विकास निगम तथा ITBP की सहायता से इस यात्रा का आयोजन होता है। श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां। 2013 की शुरुआत में मैंने भी आवेदन पत्र भरा था, जो कि शारीरिक स्वास्थ्य इस यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी फिटनेस की ओर ध्यान देना शुरू किया। रोज सुबह की सैर, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, हफ्ते में एक बार छोटी पहाड़ी चढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। मैं पुणे शहर में रहती हूँ। पुणे के नज़दीक सिंहगढ़ किला है, जो ट्रेकिंग के लिए बहुत उपयुक्त है। महीने में दो बार सिंहगढ़ की चढ़ाई से शारीरिक क्षमता में काफ़ी सुधार आ गया था। इसके साथ खान पान पर ध्यान और HB बढ़ाने की दवाई का भी खुराक शुरू कर दिया था। अप्रैल महीने में मुझे अपने चुनाव होने की सूचना मिली। तब से मन ही मन में मानो मेरी यात्रा का आरंभ हो चुका था। मैंने ट्रेकिंग की ओर जोर से शुरुआत कर दी। अभी भी मेरे हाथ में 2 महीने थे। कुछ पुराने यात्रियों के संपर्क में आने से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहले से उपलब्ध हुई थी। अब मैं बस प्रस्थान के दिन की राह देख रही थी। गूगल मैप पे कई सारे पारायण हो चुके थे। गूगल अर्थ पर तो जाने कितनी बार श्री कैलाश और मानसरोवर की परिक्रमा पूरी करी थी। अब प्रत्यक्ष अनुभव का इंतजार था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा के कुछ प्रमुख पड़ाव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। ओम नमः शिवाय। आपकी चारुलता।